मालदीव से भारत के लिए बहुत ही बढ़िया खबर सामने आ रही है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में भारत समर्थित पक्ष को भारी जीत मिली है। ये आशंका जताई जा रही थी कि चीन समर्थक जमीन प्रशासन चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकता है, मगर नतीजे ने सभी को हैरान करके रख दिया। वहाँ के चुनाव आयोग के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद करीब 58.3% वोट के साथ विजयी हुए। विपक्ष को मिली इस भारी जीत के बाद चीन समर्थक माने जाने वाले नववर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को पद छोड़ना होगा। 54 साल के वकील और राष्ट्रपति उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद ने करीब 92% वोटों की गणना के बाद ही बाहर आकर अपनी जीत का दावा किया था। उन्होंने कहा, जनता की राय सामने आ चुकी है। उन्होंने यमीन प्रशासन के सत्ता के सहज स्थानांतरण का अनुरोध करते हुए कहा, हमारे जैसे बहुत से लोगों के लिए ये काफी कठिन यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो जेल की कोठरी तक या वर्षों के निर्वासन तक ले जाती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं का पूरी तरह से राजनीतिकरण और उन्हें बर्बाद किया जाता है। लेकिन इस यात्रा का समापन बैलेट बॉक्स के साथ हुआ, क्योंकि लोग ये चाहते थे। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को जारी नतीजों के अनुसार सोहली को 1,33,808 वोट और अब्दुल्ला यमीन को 95,526 वोट मिले। चुनाव में अन्य कोई उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि ज्यादातर बागी नेता या तो जेल में है और या तो देश के बाहर निर्वासन में। मालदीव के 4 लाख नागरिकों में से 2.60 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया था। भारत के नजरिए से ये बहुत अच्छी खबर है और इसे आपको जरूर समझना चाहिए। मालदीव में पिछली वामपंथी सरकार ने भारत से दुश्मनी लेकर चीन को सारे प्रोजेक्ट दे दिए थे। धीरे धीरे चीन इस पर कर्ज देकर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ था। इससे जनता में काफी गुस्सा था। यही वजह थी कि यहाँ आपातकाल लगाना पड़ गया था। लेकिन अब जब भारत की समर्थित सरकार का फिर से आगमन हो गया है, तो चीन की गुलामी से ही सही वक्त पर मालदीव निकल सकेगा और अपने असली मित्र देश भारत के साथ मिल जाएगा। भारत ने इस जीत का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हम इब्राहिम मोहम्मद सोली को तहे दिल से बधाई देते हैं। ये न सिर्फ मालदीव में लोकतांत्रिक ताकतों की जीत है, बल्कि वहाँ लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। अमेरिका ने भी मालदीव में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने के लिए वहाँ की जनता को बधाई दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीदर नॉट ने कहा है कि अमेरिका मालदीव की जनता को बधाई देता है, जिन्होंने अपने देश में भविष्य के निर्धारण के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लोकतांत्रिक आवाज उठाई है। गौरतलब है कि मालदीव में लगातार विपक्ष के दमन और लोकतांत्रिक आजादी छीनने की वजह से जमीन प्रशासन की काफी आलोचना भी हो रही थी। उन्होंने अदालतों पर भी अंकुश लगा दिया था और विरोधियों को जेल में डाल दिया था। इसी वजह से इन चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होने पर भी लोग संदेह कर रहे थे। इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी PDM के नेतृत्व वाली संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। इस गठबंधन में जमहूरी पार्टी, अदालत पार्टी और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM का एक धड़ भी शामिल है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।